डियर जेई एडवांस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 4 जून को आप लोगों का पेपर होने वाला है, तो सबके मन में कुछ टेंशन चल रही होगी। इस वीडियो में मैं मेनली 3 बातों पे ध्यान दूंगा। पहला कि जेई मेंस और जेई एडवांस में डिफरेंस क्या है। तो जेई मेंस और जेई एडवांस में आप डिफरेंस को इस तरीके से सकते हैं कि एक क्रिकेट मैच है, एक 2020 या वनडे मैच है और एक टेस्ट मैच है। आप जेई मेंस को 2020 या वनडे मान सकते हैं और जेई एडवांस को एक टेस्ट मैच मान सकते हैं। दोनों में क्लियर कट डिफरेंस है। आपको एक 2020 मैच में स्ट्राइक रेट पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, कम समय में ज्यादा स्कोर करना पड़ता है, पिच आसान होता है और टेस्ट मैच में पिच टफ होता है। आपको एक बड़ी पारी खेलनी होती है, आपको ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से आप इस चीज को देखेगा कि जेई एडवांस के पेपर में चीजें डिफिकल्ट आएंगी, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा करेंगे। जेई एडवांस में आपको एक ही दिन में 2 पेपर देने का मौका मिलता है, जैसे कि टेस्ट मैच में 2 पारियों का क्यूमुलेटिव स्कोर जुड़ता है, ऐसे ही जेई एडवांस में भी दोनों टेस्ट का क्यूमुलेटिव स्कोर से ही आपका फाइनल डिसीजन होता है। तो ये है मेंस और एडवांस का एक बेसिक डिफरेंस। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि किस किस तरीके के एस्पिरेंट्स जेई एडवांस में अपीयर होते हैं। तो बच्चों मेजरली 2 तरह के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी डे 1 की प्रिपरेशन से एडवांस फोकस प्रिपरेशन करते हैं। उनमें से मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो अंडर 10,000-20,000 रैंक वाले होते हैं जेई मेंस में। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई मेंस में कुछ पीछे रैंक वाले होते हैं, क्वालिफाई तो हो गए हैं एडवांस के, लेकिन स्टार्टिंग से वो जेई एडवांस पे फोकस नहीं थे। तो इन 2 तरीके के एस्पिरेंट्स की भी स्ट्रेटजी अलग अलग होनी चाहिए। जो जेई एडवांस में जो फर्स्ट 10,000-20,000 रैंक तक बच्चे आए हैं, उन्होंने अपनी जेई एडवांस की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली होगी, ज्यादा सिलेबस कवर किया होगा, बहुत सारे टेस्ट दे चुके होंगे, अब वो एनालिसिस मोड में होंगे। और जिनकी रैंक थोड़ी पीछे आई होगी, उन्होंने अपना सिलेबस थोड़ा सा कम रखा होगा, अपने टीचर से डिस्कशन से बहुत हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए होंगे। मेरा ये सजेशन है कि आप उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करें, बहुत सेलेक्टिव रहें और आखिरी के दिनों में टेस्ट जरूर दें। ये 2 तरीके के एस्पिरेंट्स अपीयर हो रहे हैं, किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर जिन विद्यार्थियों की रैंक 20,000 से बाद या 10,000 से बाद या पीछे आई है, वो भी अगर फोकस स्टडी करके सेलेक्टिव टॉपिक्स को अच्छा कर लें तो वो जेई एडवांस में अच्छी रैंक ले आएंगे। अब बच्चों जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आखिरी के 15 दिनों में आप क्या करें। तो पहले मैं फोकस करूंगा कुछ एकेडमिक पॉइंट्स पे और फिर मैं फोकस करूंगा कुछ बिहेवियरल पॉइंट्स पे। तो एकेडमिक पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1, आखिरी के 15 दिन में 3 से 4 टेस्ट जरूर दें। अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं दिए तो उन्हें दीजिएगा, अगर वो दे चुके हैं तो कुछ इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड टेस्ट दीजिएगा। सेकंड, टेस्ट की टाइमिंग जरूर आप वही रखिएगा जो जेई एडवांस की ओरिजिनल टाइमिंग है, 9 to 12 एंड 2:30 to 5:30। थर्ड, आप अपनी हर टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें, उनकी गलतियों को सुधारें, स्पेशली उन पोर्शंस पे जो आपने अपने लिए प्रिपेयर कर रखे हैं। फोर्थ, क्या पढ़ें इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट द लास्ट मोमेंट। मेरा ये मानना है कि जिस दिन आपका टेस्ट नहीं है आपको 12-13 आवर्स पढ़ना चाहिए। पढ़ाई की टाइमिंग भी आप उसी तरीके से रखें कि 9 से 12 एंड 2:30 to 5:30 डेफिनेटली आप पढ़ाई करें और सॉल्विंग अप्रोच रखें। मेरा ये मानना है कि आपको फिजिक्स 1.5 से 2 घंटा रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैथ्स भी 1.5 से 2 घंटा प्रैक्टिस, फिजिकल केमिस्ट्री 45 मिनट से 1 आवर, और बचे कुछ समय में आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बड़ा फोकस करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 to 4 आवर्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1.5 आवर जरूर पढ़ें। उसके अलावा बच्चों आप अपने आप को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस और 1 or more than 1 करेक्ट इज वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट। जब भी आप सवाल सोल्व करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू में फाइनल आंसर तक पहुंचे और 1 or more than 1 करेक्ट में कोई तुक्का ना लगाएं, बिल्कुल जिनमें श्योर है वही सवाल सेलेक्ट करें। इसके अलावा आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। यू शुड वेक अप एट 6:00, 6:30 सो दैट, क्योंकि जेई एडवांस में आपकी रिपोर्टिंग कई बार सेंटर्स में बहुत अर्ली होती है, तो आपको अपना वेकअप टाइम थोड़ा अर्ली का रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अब समर है तो हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। थर्ड पॉइंट जो है, मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, C²P², यू शुड बी कूल एंड कॉन्फिडेंस, पेशेंस एंड परसीवेंस। ये 4 फैक्टर अगर आप रखेंगे तो आप जेई एडवांस में बहुत अच्छा करेंगे। और फिफ्थ मैं आपको कहूंगा कि जेई एडवांस में आपको हमेशा ऐसे जाना चाहिए कि भाई खोने को कुछ नहीं है, जो भी है हम अचीव करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, आखिरी के 15 दिनों में अपना विश्वास बना के रखें, आप बहुत अच्छा करेंगे। टेक केयर, यू विल रॉक।